जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज का युग विज्ञान का युग है और इस युग में कोई भी किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करता। जब भी कोई सब्जी खरीदता है, एकमात्र सब्जी खरीदने के लिए 10 दुकानों पर ट्राई करता है। जब उसको विश्वास हो जाता है कि सब्जी सही है और उसकी कीमत सही है, तभी जाकर के वो सब्जी खरीदता है। लेकिन अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिसका परीक्षण कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये अंधविश्वास की शक्ति कुछ ही लोगों के पास होती है, बाकी लोगों के पास नहीं होती। लेकिन विज्ञान ने उन सारे ऊर्जा तांत्रिक जितने भी हैं बाबा हैं, उन सब का पर्दाफाश कर दिया है। उनके पास जो भी कारनामे होते हैं वो सब विज्ञान से होते हैं, और इस बात का जैसे ही पता लगता है तो उसको अंधविश्वास घोषित कर दिया जाता है। इस तरह के चलते हुए आज पूरे विश्व में कोई भी तांत्रिक कोई भी बाबा नहीं बचा, सिर्फ बचे हैं तो डॉक्टर बचे हैं। जिस किसी को भी कोई समस्या आती है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, ना कि कोई तांत्रिक बाबा। अब ऐसे दौर में एक ऐसा तांत्रिक बाबा पैदा हुआ है जिसको बागेश्वर धाम कहते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उनका दावा है कि वो भी इस तरह की ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और वो कहते हैं कि बालाजी बाबा की कृपा है, बालाजी धाम की कृपा है, बागेश्वर धाम की। अगर वो सही है तो उनको यह प्रमाणित करना होगा कि वाकई वो सही है, वो गलत नहीं है। और सही की पहचान तभी की जाएगी जब उसके पास उसके जैसे ही और लोग होंगे। जब कोई बात को सही साबित करता है वो उसी तरह से साबित कर पाता है जिस तरह से, जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास एक मशीन होती है सोनोग्राफी। अगर सोनोग्राफी मशीन को हर कोई आम व्यक्ति तो नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और डॉक्टर ही बता सकता है कि सोनोग्राफी मशीन से क्या किया जाता है। उसकी रिपोर्ट आती है तो उसी से पता चलता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा कैसा है, सही है या स्वस्थ है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर इस बात को गलत बताता है तो हम उसकी रिपोर्ट को दूसरे डॉक्टर को ले जाकर के दिखाते हैं, और जब वो भी सेम बात बताता है तो हमें विश्वास हो जाता है कि वाकई में उस डॉक्टर ने जो कहा है वो सही है। उसी तरह से आपके जैसे ही चमत्कारी बाबा होने चाहिए, कम से कम 4-5 तो होने चाहिए, जैसे कि आप जो कहें उस बात को ट्राई करने के लिए हम दूसरे बाबा के पास में जाएं। अगर आपके पास में जो सिद्धि है उस सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आपके जैसी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपके पास जो सिद्धि है उस सिद्धि को आप किसी और दूसरे व्यक्ति को बताएं जो उसके योग्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिद्धि